ओडिशा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पिता बेटे का शव कंधे पर रखकर पैदल चलता नजर आता है। इस मजबूर पिता का नाम सुरधर बेनिया है। बेटा बीमार था, बेनिया उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव घर लाना था लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद बेनिया करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर बेटे के शव को घर लेकर आए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। विभाग ने कहा है कि वो इस मामले की जांच करेगा। 6 साल पहले भी रायगढ़ से 100 किलोमीटर दूर कालाहांडी में दाना मांझी केस सामने आया था, जिसमें दाना मांझी अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर 13 किलोमीटर तक पैदल चले थे। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रायगढ़ के बेनिया 9 साल के बेटे आकाश का इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद हमने शव को घर पहुंचाने का अनुरोध किया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उसके पास एम्बुलेंस नहीं है। अस्पताल प्रबंधन के मना करने के बाद बेनिया ने कंधे पर बेटे का शव रखकर घर ले गए। घटना सामने आने के बाद रायगढ़ के जिलाधिकारी सरोज कुमार मिश्र ने एक्शन लेने की बात कही है। मिश्र ने कहा कि रायगढ़ अस्पताल में महाप्राणायाम योजना के तहत बॉडी ले जाने के लिए 3 वाहन की व्यवस्थाएं हैं। मैं जांच करवाता हूं कि मामला क्या है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साल 2019 में ओडिशा के गणपति जिले के मुकुंद डोरा अपनी बेटी की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को कंधे पर लेकर 8 किलोमीटर तक पैदल चले थे। ये मामला नहीं है, भारत में लगातार सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है, उसकी ये हकीकत आपको देखने को समय दर समय मिल जाती है। 24 अगस्त 2016 को भी ओडिशा के कालाहांडी जिले का दाना मांझी प्रकरण काफ़ी सुर्खियों में रह चुका है। इस घटना के बाद ओडिशा सरकार के महाप्रयाण योजना शुरू हुई थी। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों की मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर सरकारी वाहन से घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि इस केस में उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।